नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत के बाद देश ही नहीं विदेशों तक में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके चाहने वाले उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे में उनकी पहली फिल्म के निर्देशक अभिषेक कपूर की पत्नी ने भी उनके लिए कुछ बड़ा करने का ऐलान किया। दरअसल अभिषेक कपूर की पत्नी प्रज्ञा ने सुशांत सिंह के सम्मान में 3400 गरीब परिवारों को खाना खिलाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी है। इस पोस्ट में उन्होंने सुशांत की एक तस्वीर के साथ बताया है कि उनकी संस्था सुशांत सिंह राजपूत की याद में एक साथ 3400 परिवारों में खाना खिलाने का काम करेगी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन इनकम और नौकरियों की कमी अभी भी है, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे सुशांत। बताते चले कि अभिषेक और प्रज्ञा फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों में से हैं जो सुशांत के अंतिम संस्कार में भी मौजूद थे, जो कि मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि अभिषेक कपूर ने सुशांत की पहली बॉलीवुड फिल्म कायपोचे को डायरेक्ट किया था, जिसके लिए सुशांत ने 12 बार ऑडिशन दिया था और पहली ही फिल्म से वो लोगों के दिलों पर छा गए थे। बताया जाता है कि सुशांत और अभिषेक के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। यही वजह है कि अभिषेक की पत्नी प्रज्ञा को भी सुशांत की मौत से झटका लगा और वो उनकी याद में एक नेक काम करने जा रही है।